हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल KDM ऑनलाइन क्लासेज में। और दोस्तों, RRB टेक्नीशियन का फोरम ऑनलाइन 2024 दोस्तों कुल पोस्ट है जो 9144 पोस्ट ऑल ओवर इंडिया के कैटेगरी से 10th ITI एंड 12th पास रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक दोनों दोस्तों बिना मिस्टेक करे फॉर्म को कैसे भरना है और कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। दोस्तों ALP वाली गलती इसमें नहीं करनी आपको, बिल्कुल भी ALP वाली गलती नहीं दोहरानी। तो बहुत दोस्तों पूरा वीडियो डिटेल में जानेंगे। एंड दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। एंड डिटेल में जानेंगे दोस्तों कि फॉर्म कैसे कैसे ऑनलाइन अप्लाई होगा। दोस्तों डिटेल में एज ए मोबाइल से फॉर्म भर के दिन बताएंगे दोस्तों आप हमको, हम आपको मोबाइल से फॉर्म भर के बताएंगे डिटेल में कि मोबाइल से आपको कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल यानी टेलीग्राम चैनल KDM19 ज्वाइन नहीं किया हो तो दोस्तों उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों KDM19। तो दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको सिंपली अपने मोबाइल के एक ब्राउज़र में आना है, यानी कि आपको अपने मोबाइल में एक ये देखिएगा दोस्तों डेस्कटॉप ब्राउजर के नाम से एक एप्लीकेशन है, उसी को आपको सिंपल सा इसका लिंक इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों। तो वहाँ पे जाके आपको इस एप्लीकेशन में सिंपल सा सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट खोलना है, यानी दोस्तों वहाँ पर आपको सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट खोल के उसमें आज लेटेस्ट जॉब के ऑप्शन में जाके वहाँ RRB टेक्नीशियन का फॉर्म बताएगा। तो उसमें जाके आपको सिंपल सा अपना फॉर्म वहाँ से अप्लाई नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे दोस्तों प्रॉपरली RRB की वेबसाइट से आप फॉर्म भर सकोगे। देखिएगा दोस्तों RRB की प्रॉपरली वेबसाइट खुल रही है। तो दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए हम वीडियो को शुरू से, दोस्तों ये फॉर्म बीच से खुला है लेकिन हम आपको शुरू से बताएँगे दोस्तों फॉर्म को शुरू से भर के बताएँगे दोस्तों फॉर्म को शुरू से। इसके लिए हम आपको हमारे फॉर्म को लॉग आउट कर देते हैं दोस्तों। एंड लॉग आउट करने के बाद में देखेगा दोस्तों अभी ये वेबसाइट खुल चुकी है। एंड दोस्तों हम यहाँ पे शुरू से अब ऑनलाइन अप्लाई करके बता रहे हैं। देखिएगा दोस्तों इस पर अप्लाई नाउ पे आता है जैसे ही, तो दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक तो आई क्रिएट अकाउंट एंड आई हैव एलरेडी अकाउंट। तो दोस्तों क्रिएट अकाउंट पर हम क्लिक करके जैसे आपको बताएँगे तो देखिएगा दोस्तों ये सिंपल सा ये आपके पास ये इंटरफेस आ चुका है। और दोस्तों ये यहाँ पर देखिएगा अगर आप एक जनरल ब्राउज़र में खोलते हो तो यहाँ पे जो प्रोसेसर आ रही है देखिएगा दोस्तों ये प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट लिखा नहीं आ रहा है दोस्तों जनरल ब्राउज़र में, यहाँ तक ही आ रहा है बस ये एग्जिट तक है। और ये कैप्चर कोड तो डलवा लेता है लेकिन वो वाला नहीं आ रहा, जब तक वो प्रीव्यू एंड क्रिएट एनी अकाउंट नहीं आएगा तब तक दोस्तों आपका अकाउंट आगे नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों ये देख लीजिएगा दोस्तों हमने इसमें अकाउंट बना लिया। तो अकाउंट बनाने के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है, यहाँ देखिएगा दोस्तों फुल नेम को वापस लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है दोस्तों। और उसके बाद में आपको सेलेक्ट जेंडर सेलेक्ट करना है दोस्तों, फादर नेम लिखना है, फादर नेम के बाद में दोस्तों आपको मदर नेम लिखना है, मदर नेम के बाद में दोस्तों आपको अपना आधार कार्ड से वेरीफाई करना है आधार नंबर वेरीफाई करने के बाद में दोस्तों आपको ईमेल आईडी से OTP एंड अपने मोबाइल नंबर से OTP वेरीफाई करके दोस्तों आपको पासपोर्ट करना है। तो दोस्तों पासपोर्ट कुछ भी, जैसे आपका नाम राहुल है यानी कि आई सपोज नाम आपका राहुल है, तो दोस्तों राहुल का RUHAL @ दोस्तों एक पासपोर्ट लगा देना, ये आपके पासपोर्ट श्योरली पासपोर्ट दोस्तों ये लग जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। दैन उसके बाद में दोस्तों आपको करना है कैप्चर कोड इसमें फिल करके आपको यहाँ पे करना है दोस्तों आगे प्रीव एंड क्रिएट एनी अकाउंट पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है दोस्तों। यहाँ के बाद में आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा एंड लॉगिन हो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों फिर आपको वापस बैक आना है, वापस आपको यानी कि यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके दोस्तों लॉगिन कर लेना है अकाउंट। आप जिस भी मोबाइल नंबर से अकाउंट बना रहे हो, मोबाइल नंबर मेल आईडी और उसी से आपका अकाउंट लॉगिन होगा। तो दोस्तों हम हमारे मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी से लॉगिन कर लेते हैं दोस्तों, हमने हमारी डिटेल सेव कर रखी है। तो देखिएगा दोस्तों जैसे हम हमारी डिटेल मांगेंगे एज ए प्रॉपरली हमारी डिटेल इसमें फिल होके आ जाएगी। तो देखिएगा दोस्तों ये डिटेल हमारी फिल हो गई, हमारे पासवर्ड भी सही आए हैं। और दोस्तों अब हम
कैप्चर कोड के आप फिल करके भी बता दे रहे हैं आपको कि ये देखिएगा। और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, हमारा फॉर्म आगे प्रोसेसर में हो रहा है दोस्तों। ये देखिएगा प्रोसेसर में अब हो चुका है दोस्तों, ये आ गया पूरा। देखिएगा RRB का पूरी डिटेल आ गया। देखिएगा दोस्तों, जनरल इंस्ट्रूमेंट, ऑनलाइन एप्लीकेशन और एप्लीकेशन हिस्ट्री। ये देखिएगा दोस्तों, ये दे बता रहा है टेक्नीशियन ग्रेड सिंगल नो मार्च एंड टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड नो मार्च एंड इस फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों के फॉर्म चल रहे हैं दोस्तों। तो अब आप यहाँ से जैसे हम ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करना होगा दोस्तों, इसके बाद में ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों ये देखिएगा, अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट से फॉर्म भरना चाहते हो दोस्तों, हम आपको दोनों से फॉर्म भर के बताते हैं। यानी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट से भरना चाहते हो तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट से भी आप फॉर्म भर सकते हो। पहले हम दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड से फॉर्म भर के बताएंगे, उसके लिए हम दोस्तों मुंबई जोन से फॉर्म भरेंगे, मुंबई से देखिएगा दोस्तों। और हमने ये आगे कंटिन्यू कर दिया है दोस्तों। अब कंटिन्यू के बाद में देखिएगा दोस्तों, हमने ऐसे दोस्तों फॉर्म भर लिया है। हम तो आपको जनरली बताने के लिए वापस से इसको वापस से इसको प्रीव्यू करते जाएंगे। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे वही जो आपने जनरल डिटेल भरी थी वो सब डिटेल आ गई है। देखिएगा आपका इंडिया, ये देखिएगा ये डेट ऑफ बर्थ आ गई दोस्तों, और ये देखिएगा नेम आ गया मेरा, यहाँ पर नाम आ जाएगा, ये मदर नेम आ जाएगा, ये मेल आ गई दोस्तों, आपकी मेल ID आ गई, ये देखिएगा एंड आप मैरिड हो अनमैरिड, ये देखिए। और दोस्तों ये देखिए चूज ऑफ लैंग्वेज इन एग्जामिनेशन दोस्तों, इसको आपको प्रॉपरली अपनी लैंग्वेज में, यानी अगर आप इंग्लिश से हो तो प्रॉपरली इंग्लिश ही सेलेक्ट करिएगा, हिंदी हो तो हिंदी, अगर मराठी हो तो मराठी से, तमिल हो तमिल, तेलुगु जो भी, यानी दोस्तों ये कम से कम 15 भाषाओं में एग्ज़ाम कंडक्ट होगी। तो दोस्तों प्रॉपरली अपनी एग्ज़ाम्स अपनी लैंग्वेज कंडक्ट करना है। और दोस्तों का दोस्तों ये देखिए कम्युनिटी STC हूँ मैं, ये देखिए ST सर्टिफिकेट डाल दिए दोस्तों, ये ECU सब डिविजन मजिस्ट्रेट ने किया राजस्थान, देखिएगा। और ये मेरा जो ECU हुआ उसकी डेट है। आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको एड्रेस में देखिएगा राजस्थान यानी स्टेट डिस्ट्रिक्ट एड्रेस पूरा देखिए, और विलेज एंड पिन कोड और सेम एंड प्रीव एड्रेस। तो देखिएगा दोस्तों, हम जैसे हम मैं नेक्स्ट करता हूँ, आगे देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट किया तो उसमें आगे देखिएगा प्रॉपरली क्या क्या डिटेल पता है। देखिएगा दोस्तों, ये पर्सनली डिटेल सेव एंड सक्सेसफुल है। अब हम आगे देखिएगा दोस्तों, ये अगला पेज खुल चुका है, और अगले पेज में देखिएगा दोस्तों क्या क्या डिटेल आई है। देखिएगा अदर डिटेल में देखिएगा दोस्तों, एक्स सर्विसमैन पे नो, पर्सन विद बेंचमार्क डिसबिलिटी पे दोस्तों नो, ये देखिएगा इकोनॉमिक्स बैकवर्ड क्लास पर भी दोस्तों नो, अगर आप इकोनॉमिक्स बैकवर्ड क्लास हो तो दोस्तों यस कर लीजिएगा। इकोनॉमिक्स बैकवर्ड क्लास का मतलब होता है कि दोस्तों आपकी सालाना आय, आपके पूरे परिवार की सालाना आय 50,000 से कम होनी चाहिए। और देखिएगा दोस्तों, सर्विस रेलवे एम्प्लॉई, ऐसे दोस्तों मैं एज ए रेलवे एम्प्लॉई सर्विस, तो देखिएगा अगर आप रेलवे में जॉब करते हो तो यस करिएगा, अगर नहीं करते हो तो नो कर दीजिएगा। और देखिएगा दोस्तों, करंट एम्प्लॉई डिटेल देखिएगा, अगर आपके पास एम्प्लॉय डिटेल है तो आप अपनी फिल कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों, डिटेल ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्सेप्टेंटिक्स देखिएगा दोस्तों, एंड देखिएगा दोस्तों ये आपकी जो बेसिक डिटेल है देखिएगा दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, बैंक डिटेल आपको बिल्कुल सही भरनी है दोस्तों, अगर बैंक डिटेल में आप कुछ भी दिक्कत करती हो तो जो आपके फीस रिफंड पैसे होंगे दोस्तों, यानी फीस के जो रिफंड पैसे होंगे दोस्तों, उनमें दिक्कत आ जाएगी। आपको भी पता होगा दोस्तों, ओबीसी और UR के लिए 500 रुपये फीस है, इसमें से 400 रुपये रिफंडेबल है ओबीसी एंड UR एंड EWS की। और SC एंड दोस्तों ST की जो फीस है 250 रुपये है, और इसमें से 240 रुपये रिफंडेबल है। तो दोस्तों ये बैंक डिटेल आप बिल्कुल सही भरिएगा। एंड दोस्तों यहाँ के बाद में हम नेक्स्ट करते हैं, फिर से नेक्स्ट करेंगे तो दोस्तों आगे हमारी जो भी अपडेट रहेगा दोस्तों, आगे डिटेल खुल चुकी है हमारी। एंड आगे देखिएगा दोस्तों, क्वालिफिकेशन की बात करता है तो देखिएगा, मैंने मेरी क्वालिफिकेशन यहाँ पे पहले से ही फिल कर दी है दोस्तों। ये देखिएगा, मैंने देखिएगा 10th की क्वालिफिकेशन प्लस ITI फीटर ट्रेड राजस्थान से दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट दौसा, ये मेरे कॉलेज का नाम हो गया जिससे कब पास की थी, NCVT से देखिए, और नेशनल सर्टिफिकेट देख लेगा दोस्तों, इससे मैंने क्वालिफिकेशन। अगर इससे अलावा आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है देखिए, NAC का ITI प्लस 10+2। NAC दोस्तों नेशनल एक्सेप्टेंटिक्स होता है NAC का मतलब। तो और इसके बाद में दोस्तों फिर से हम नेक्स्ट करेंगे, ये देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्रिया,
और ये नेक्स्ट हो चुका है हमारा। अब आगे देखिएगा दोस्तों, फोटो सिग्नेचर पे हमारा फॉर्म आ चुका है। एंड फोटो सिग्नेचर के बाद में देखिएगा दोस्तों, यहाँ तक हमारा फ़ोटो सिग्नेचर लोड हो रहे हैं दोस्तों। हमने सब सारी डिटेल पहले से फिल करके रख चुकी है, वो तो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे आपको अपना फॉर्म फिल करना है। कोई भी दिक्कत नहीं करनी दोस्तों, क्योंकि ये देखिएगा दोस्तों हमारा ये फ़ोटो सिग्नेचर, दोस्तों ये लेंथ एंड वेथ में आपको अपनी फ़ोटो बढ़िया तरीक़े से सेट करनी है, तभी आपने अपनी फ़ोटो इसमें सेट हो पाएगी। फ़ोटो देख लीजिएगा दोस्तों, और ये हमारे सिग्नेचर देख लीजिएगा हमारा फॉर्म यहाँ पे। आगे देखिएगा दोस्तों, इसके बाद में हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद में दोस्तों, अब आपकी जो भी होएगी वो आप फीटर से एलिजिबल हो, तो फीटर में कौन कौन सी ट्रेड आती हैं और ट्रेडों की पूरी लिस्ट आ जाएगी। देखिएगा दोस्तों, ये जो भी आईटीआई से आप, जिस भी आईटीआई में अगर आप इलेक्ट्रिकल से लगाती हो, इलेक्ट्रीशियन से लगाती हो, तो इलेक्ट्रीशियन वाली ट्रेड आ जाती है इसमें। अगर आप डीजल मैकेनिक से लगाते हो, डीजल मैकेनिक, वेंडर से लगाते हो दोस्तों, वेंडर की पूरी टोटल ट्रेड आ जाती। और जैसे भी देखिएगा, तो अब इसमें आपको भरना है दोस्तों पोस्ट परफॉर्मेंस। तो पोस्ट परफॉर्मेंस में सबसे पहले भरूँगा दोस्तों मैं TRS, यानी दोस्तों TRS वाली पोस्ट भरूँगा सबसे पहले, मेरी जो TRS। फिर उसके बाद में दोस्तों असिस्टेंट ट्रैक मशीन वाली पोस्ट भरूँगा, उसके बाद में भरूँगा दोस्तों कैरिज एंड वैगन, उसके बाद में डीजल मैकेनिकल वाली, और उसके बाद में दोस्तों EMO वाली, और फिर फीटर वाली, फिर TRS की एक बच रही है दोस्तों अभी पोर्ट, उसको भरूँगा। एंड उसके बाद में ये देखिएगा दोस्तों असिस्टेंट ब्रिज, ये देखिएगा पोस्ट पूरी परफॉर्मेंस भर चुकी है। आगे देखिएगा एंड दोस्तों, इसके बाद में इस पर क्लिक करूँगा। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करना है, देखिएगा प्लेस फिल करा रहा है, तो मैं मेरा एड्रेस फिल कर देता हूँ दोस्तों। ये एड्रेस हो गया फिल। अब दोस्तों यहाँ के, इसके बाद में आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। देख लीजिएगा दोस्तों, ये आपका एप्लीकेशन का प्रीव्यू आ चुका है, और यहाँ पे आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके आपको यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट, या दोस्तों आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये काम आएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में दोस्तों आपको अब यहाँ पे ये देखिएगा आई, ये देखिए यहाँ पे आई हैव रीचेक, ये देखिए रीचेक कर लिया। अगर आपने अपना अकाउंट रीचेक कर लिया, तो आप अपने अकाउंट को आगे कर सकते हो पेमेंट के लिए। देखिए हाई आई हैव रीचेक्ड द डिटेल ऑफ फाउंड करेक्ट। आप देखिएगा ये सबमिट कर लिया है दोस्तों मैंने, अब ये सबमिट हो चुका है दोस्तों। और ये देखिएगा, अब यहाँ पे एप्लीकेशन, यानी ये अब पेमेंट के लिए जाएगा दोस्तों एप्लीकेशन, यानी कि आपको अपना पेमेंट पे करना पड़ेगा यहाँ से, कि कितने रुपए आपका पे हो रहा है। ST में दोस्तों 240-250 रुपये पे होंगे, एंड दोस्तों SC में भी 250 रुपये पे होते हैं, एंड दोस्तों EWS, OBC एंड UR में, यानी दोस्तों ये देखिएगा दोस्तों ये आ गई है। अब आगे देख लीजिए एप्लीकेशन ये आ गया दोस्तों, ये देखिए फीस की रिगार्डिंग डिटेल आ चुकी है दोस्तों। देखिएगा ये, देखिएगा 250 रुपये फीस ST में लिखी आ चुकी है। और दोस्तों ये आ गया पे नाव का ऑप्शन। इसके बाद में दोस्तों आप जैसे फीस पे करोगे, तो यहाँ देखिएगा दोस्तों फीस पे करने के बाद में देखिएगा दोस्तों रिफंड पॉलिसी भी इसमें बता रखी है। देखिएगा रिफंड पॉलिसी बता रही है, ये बाई प्रोसीड विद द पेमेंट इन एप्लीकेट कैन को जनरल एंड एग्री एज पेमेंट। देखिएगा दोस्तों रिफंड प्रोसेसर बता रखी है, देखिए द रिफंडेबल पीरियड फीस द पैरा नंबर 07 डिटेल विल बिल एप्लीकेशन ओनली दोज कैंडिडेट विद हु अटेंड CBT, जिस कैंडिडेट CBT में अटेंड रहेगा उसी को पैसे रिफंड होंगे दोस्तों। ये रिफंडेबल फीस डिटेल बता रखी है। एंड देखिएगा दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ से जैसे हम आगे पे नाव पे क्लिक करेंगे दोस्तों, ये देखिएगा आगे पे नाव पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा दोस्तों ये प्रोसीड हो गया। अब आगे आपका जैसे डिटेल मांगेगा दोस्तों, ये SBI पे वाला ऑप्शन खुल चुका है। ये देखिएगा दोस्तों ये पे नाव पे आगे ऑप्शन खुल चुका है, डिटेल मांग रहा नॉर्मली। तो दोस्तों ये रही थी आपके पास फॉर्म भरने की पूरी बेसिक डिटेल है दोस्तों ये। अब आपको देखिए इस पे नाव पे कौन कौन से, देखिए कार्ड से आप पे कर सकते हो, इंटरनेशनल इंटरनेट बैंकिंग कार्ड, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड से आप पे कर सकते हो दोस्तों। एंड अदर पे ऑप्शन दोस्तों इसमें नहीं आ रहे, तो कार्ड प्लस इंटरनेट बैंकिंग से आप पैसे पे कर सकते हो। तो दोस्तों ये रही फुल डिटेल। यहाँ पैसे पे करने के बाद में दोस्तों आपका फॉर्म फाइनली सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस होने के बाद में आप फॉर्म का प्रिंट ले सकते हो दोस्तों। प्रिंट लेने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे। फाइनली रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद में आपका फॉर्म दोस्तों फाइनली सक्सेस हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखेगा दोस्तों, और ALP वाली दोस्तों गलती बिल्कुल भी मत करना।
क्योंकि ये एएलपी वाली गलती अगर यहाँ पे करोगे फॉर्म भरने में दोस्तों, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। अगर फॉर्म रिजेक्ट हो गए तो दोस्तों आपके पैसे चले जाएंगे, प्लस आपकी एक साल की मेहनत, या आपकी तैयारी अच्छी है आपकी एक साल की मेहनत भी चली जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा एंड लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों को लाइक कमेंट एंड शेयर करके बताइएगा, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।